आप लोग अगर फैट लॉस में है तो आप लोगों को ऐसा नहीं कि स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करना है, हफ्ते भर या 10 दिन में आप एक चीट मील ले सकते हैं। इनफैक्ट ले सकते हैं क्या, लेना ही चाहिए हर किसी को फैट लॉस में, हफ्ते में एक बार चीट मील लेना जरूरी है। क्या बोल रहे हो भाई, मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, आई एम नॉट जोकिंग अराउंड हियर। देखिए चीट मील लेने के बहुत सारे फायदे हैं, ये सुनने में तो लगता है कि आपके फैट लॉस या वेट लॉस गोल्स को खराब कर देगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये बल्कि आपके वेट लॉस गोल्स को और एनहेंस कर देगा। कैसे, लेट मी टेल यू। आई होप आप सबको तो ये पता ही होगा कि वेट लॉस या फैट लॉस करने के लिए आपको एक कैलोरी डेफिशिएट में खाना पड़ता है। तो क्या होता है, आपकी बॉडी खर्च कर रही है इतना, ठीक है, और आप खिला रहे हो इतना अपने बॉडी को, तो आपको क्या लगता है ये डिफरेंस मेंटेन रहता है पूरे जीवन के लिए? नहीं। देखिए आपकी बॉडी बहुत चलाक है, जब वो देखती है कि आप उसे कम खिला रहे हो तो आपकी बॉडी क्या करती है, अपना मेटाबॉलिज्म कम करने लगती है, जिसके कारण आपकी बॉडी कम कैलोरीज खर्च करने लगती है। तो क्या होगा, डे वन में ये था डिफरेंस, डे टू में ये होगा डिफरेंस, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, डे सिक्स, डे सेवन, ऐसे ऐसे करते करते एक महीने बाद बराबर हो जाएगा। आप जितना खा रहे थे आपकी बॉडी सिर्फ उतना ही बर्न कर रही है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका फैट लॉस या वेट लॉस प्रोसेस रुक जाता है। इसे हम कहते हैं वेट लॉस प्लेटो या फैट लॉस प्लेटो। आपकी बॉडी प्लेटो हिट कर गई, मतलब आपका ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गया है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन बंद होता है मेटाबॉलिज्म के क्रैश होने से। तो यहाँ को क्या करना है, आपके मेटाबॉलिज्म को बचा के रखना है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को कम होने से बचा लोगे तो आपका वेट लॉस प्रोसेस रुकेगा नहीं, आप कंटिन्यूसली वेट लॉस करते रहोगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक दिन ऐसा चूज करो, वो होगा आपका रिफीड डे यानी कि चीट डे। इस दिन आप क्या करोगे, आप जितने कैलोरीज खा रहे थे दिन से उससे थोड़ा सा ज़्यादा खाओगे, अप्रॉक्स 400-500 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे उस दिन। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो नीचे आ रहा था वो वापस ऊपर चल जाएगा, तो आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश नहीं होगा एंड यू विल कॉन्स्टेंटली लूज वेट। और सबसे बड़ी बात, आप जब चीट डे को ऐड करोगे अपने शेड्यूल में तो क्या होगा, आपके मन में एक मोटिवेशन आते रहेगा कि हर 6 या 9 दिन बाद एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन मैं आराम से खाऊंगा जो मन। तो ऐसे आपके लिए वेट लॉस करना थोड़ा इजी भी हो जाएगा, वरना आप पूरे 6 महीना साल भर लेके कैलोरी डेफिशिएट में खाओगे तो मन में एक वो भी रहेगा यार कि अब तो जीवन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट। तो अपने ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी में इन चीट डेज को कलर भरने का मौका दीजिए और यार एंजॉय करो आप जो भी करते हो। अगर आप रोते रोते कोई काम करोगे तो क्या होगा, आप मोटिवेशन भी खो दोगे और कुछ दिन बाद आप क्विट भी कर दोगे। बट किसी काम को आप इस तरह कर रहे हो जिसमें आपको मजा आ रहा है तो क्या होगा, आप उस काम को ज्यादा दिन तक करोगे। तो लाइफ एंजॉय कीजिए, ठीक है। फैट लॉस मतलब ये नहीं कि आपको पूरा जीवन में भूखा मरना है, आराम से एंजॉय कर कर कीजिए। एंड मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मैं भी चीट डेज मनाता हूँ, मेरा फैट लॉस हो भी रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।